गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज मैं ला रहा हूं आपके लिए फ्राइडे 13 जुलाई के डेली एमसीक्यू, जो कि मैंने द हिंदू योजना, पीआईबी और द इंडियन एक्सप्रेस से बनाए हैं। तो ये मैं आप तक लेके आ रहा हूं और ये पूरे हिंदी में बने हुए हैं। तो आप लोगों से मैं बार बार यही कहता हूं, प्लीज चूंकि मैं जो लेक्चर लेके आता हूं आप शेयर जरूर कीजिए, और जो भी करंट अफेयर्स का डेली लेक्चर है वो आप जरूर देखिए, उसे तो मिस करिए ही नहीं। एक तरह से आप ये मान लीजिए 10 मिनट के लिए हम सॉन्ग सुनते हैं, अपने आप को एंटरटेन करते हैं, ठीक इसी तरह से मेरी वीडियो को आप इसी तरह से इसी वे में लेंगे तो आपको देखना बड़ा आसान लगेगा। तो प्लीज आप ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होता है, 5 प्रश्नों का सेट बनाता हूं मैं, तो 5 प्रश्न ऐसा नहीं है कि आप देख नहीं सकते, 10 मिनट का वीडियो होता है, बड़े आराम से आप देख लेंगे। यही मान लीजिए कि हमने 2 सॉन्ग सुने थे, इतनी देर में हमने 5 क्वेश्चन सीख लिए, तो यही मानकर अगर आप चलेंगे तो आपको जल्दी ही सीख पाएंगे और आपको थोड़ा रोचकता भी आपके अंदर आएगी। तो चलिए आज आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, एक टाइप और मुक्ता पदों का संबंध निम्न में से किससे है? पहला है साइबर अपराध, सेकंड है बिटकॉइन, सी है फॉन्ट विकसित करने का खुला कॉमा सहयोगात्मक और एक रूप मंच, और डी है जीएसटी के ढांचे को सुपरिभाषित करने वाला मंच। देखिए, एक टाइप और मुक्ता जो वर्ड हैं, ये इनका संबंध है फॉन्ट विकसित करने का खुला सहयोगात्मक और एक रूप मंच। देखिए, एक टाइप और मुक्ता की जरूरत क्या पड़ी थी? एक टाइप और मुक्ता की जरूरत ये पड़ी थी, एक टाइप का मतलब क्या होता है कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ भारत में हिंदी प्रयुक्त होती है, जबकि जो आपका गूगल है वो एक तरह से ग्लोबल है, यानी ग्लोबलाइज है और पूरी तरह से अंग्रेजी में होता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिन्हें अंग्रेजी के वर्ड नहीं मालूम है, वो आज भी हमारे यहाँ अंग्रेजी में के वर्डों को हिंदी में ही टाइप करते हैं। जैसे बहुत सी चीजें हैं, मैं भी टाइप करता हूँ, काफी सारी चीजें हिंदी में ही टाइप करते हैं अपने, हाँ 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 भाई ये यूपीएससी का ये वाला फलाना पेपर, ये वाला ये ऐसे करके। तो क्या होता है कि गूगल ने यही सब प्लेटफॉर्म को जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए ये फॉन्ट विकसित करने का आश्वासन दिया है, जिससे क्या होगा कि ये फॉन्ट जो होगी जो आपको अंग्रेजी के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो इस तरह की फॉन्ट बनाई जाएगी कि आप जो भी टाइप करेंगे वो कोरिलेट हो जाएगा उससे। अगर आप हिंदी वाली सर्च है तो आपको हिंदी वाली सर्च में से वो जल्दी से जल्दी वो चीजें फैच होकर यानी उठकर तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह की एक टाइप और मुक्ता जैसी पदों का यहां पर एक फॉन्ट विकसित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि एक सहयोगात्मक और एक रूप मंच का निर्माण होगा। थोड़ा जान लेते हैं एक टाइप के बारे में। देखिए, इसमें एक टाइप यह समविचारिक लोगों द्वारा बनाई गई एक भारतीय टाइप फाउंड्री है, यानी फॉन्ट है, जिन्हें भारतीय भाषाओं में विविध फॉन्ट्स विकसित करने में विशेषज्ञता है। ठीक है, ये उनके द्वारा बनाई गई है। और ये सबसे मेन चीज ये है यहाँ पे, एक फॉन्ट यह लिप व्याकरण और लिप परंपरा को महत्व देते हुए यह विभिन्न तरह के मानकीकृत फॉन्ट्स विकसित करती है, जिनका उपयोग सभी सॉफ्टवेयर मंचों पर उपयोग किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है। और एक टाइप में विभिन्न आयु वर्ग और भिन्न भिन्न कौशल वाले अनुभवी फॉन्ट रचनाकार, अनुसंधानकर्ता और शिक्षक मौजूद हैं, जो साथ मिलकर कुशलता का नया स्तर स्थापित करते हैं। ठीक है, फॉन्ट के विकास और बिक्री के अलावा एक टाइप भारतीय मुद्रण कला यानी टाइपोग्राफी के प्रलेखन और इसके प्रति जागरूकता विकसित करने के क्षेत्र में भी कार्य करती है ये। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, एक टाइप फॉन्ट विकसित करने का खुला सहयोगात्मक और एक रूप मंच है, जो बहुभाषिक भारत की विविधता में एकता का प्रतीक है। ये सबसे बड़ी इसकी जो मेन की पॉइंट्स है इसका। अब मुक्ता क्या है? ठीक है, मुक्ता जो है, मुक्ता वीडियो, वेबसाइटों, ब्रांड विज्ञापन और पैकेजिंग साइनेज आदि में बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, और यह विशेष रूप से वहां प्रभावी होता है जहां कोई कई भाषा स्क्रिप्ट के साथ एक स्क्रिप्ट के साथ देखी जाती है, और यह वर्तमान में 5 भाषाओं की स्क्रिप्ट में जो है उपलब्ध है। जब गूगल ने फैसला किया कि ओपन सोर्स फॉन्ट में निवेश करेंगे तो दुनिया भर के डिजाइनर जो थे इस तक पहुंचे थे, और भारत में भाषाओं और लिपियों की दिक्कत के कारण जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी, और परिणाम थे ऐसे स्क्रिप्ट को प्राप्त करना मुश्किल था जो एक समान डिजाइन का हो और जो सभी के साथ सामंजस्य बनाए रखे। तो इसी प्रकार के लिए ये एक टाइप प्रणाली बनाई गई, एक टाइप और मुक्ता प्रणाली ये बनाई गई। ठीक है, सेकंड है हमारा प्रश्न, मालाबार नौसैनिक अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मालाबार नौसैनिक अभ्यास के संदर्भ में यहाँ पे बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला है, यह एक नौसैनिक अभ्यास है और इस वर्ष इस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका तथा कोरिया की नौसेनाएं भाग लेंगी। देखिए, पहला वाला ये गलत है, ये जो है ये इस साल ये हो रहा है, हो चुका है, मतलब हो नहीं रहा, हो चुका है, 7 से 16 जून के मध्य हुआ था ये। ठीक है, ये बता दे रहा हूँ, 7 से 16 जून के मध्य ये हुआ था युद्धाभ्यास,
और इसमें भारत अमेरिका और जापान के बीच ये हुआ था, भारत अमेरिका और जापान के बीच, ना कि कोरिया के बीच। तो यहां पहला वाला ये गलत हो जाएगा ये, ठीक है। और ये इसका 22वां संस्करण था, इस बार जो हुआ ये 22वां संस्करण था इस मालाबार कोस्ट वाले का, नौसैनिक अभ्यास का, ठीक है। और सेकंड है, इस अभ्यास का उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए साझा खतरों और चुनौतियों की विविधता को संबोधित करना है। ये बिल्कुल सही है कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, मैंने बताया था कल एक प्रश्न भी करवाया था कि भारत जो अमेरिका ने अपनी नेवल कमांड का नाम इंडो पैसिफिक नेवल कमांड कर दिया, तो वो यही इसीलिए किया है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री जो सुरक्षा है वो एक तरह से ठीक ठाक बनी रहे, इसीलिए उसने अपना ये काम किया, नाम किया अपना इंडो पैसिफिक, जिससे कि भारत से भी उसे सहयोग मिल सकेगा। तो यह सेकंड वाला सही है। तीसरा है, इस नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व केवल आईएनएस सह्याद्री और एंटी सबमरीन वारफेयर कार्वेट जैसे स्वदेश निर्मित जहाजों द्वारा किया जाएगा। देखिए ये गलत है, यहाँ पे इस नौसैनिक अभ्यास में बहुत देसी फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री और एंटी सबमरीन वारफेयर कार्वेट शामिल है, और साथ ही साथ आईएनएस कॉमोरेटा, बड़े टैंकर, आईएनएस शक्ति और लंबी दूरी की समुद्री पेट्रोल विमान, ये सभी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस वजह से यहाँ तीसरा वाला गलत हो जाएगा, यहाँ केवल सेकंड सही है। तो आंसर है बी, केवल सेकंड। देखिए ये इसका 22वां संस्करण था और पहली बार ये, देखिए कुछ इसमें महत्वपूर्ण अर्थ जान लेते हैं। इस अभ्यास का ये 22वां संस्करण था जो भारत में हुआ है, ठीक है, सॉरी अमेरिका के गुआम में हुआ है, अमेरिका के गुआम 22वां संस्करण था ये। और ये पहली बार मालाबार नौसैनिक अभ्यास अमेरिका क्षेत्र गुआम में ही आयोजित किया जा रहा है और इसमें भारत अमेरिका और जापान की भागीदारी है। तो यहाँ पे पहला कथन तो मैंने बताया था गलत था यो, तो और यहाँ पे मैंने बताया था एंटी सबमरीन वारफेयर, आईएनएस कॉमरेटा और बड़े टैंकर भी इसमें शामिल है, ठीक है। और पिछले 26 वर्षों में इस समुद्री अभ्यास ने संभावनाओं और जटिलताओं को बढ़ाया है और इसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए साझा खतरों और चुनौतियों की विविधता को संबोधित करना है। ये सभी इसके लक्ष्य हैं, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके से आराम से पढ़ सकते हैं, डिटेल में है। तो मेरा उद्देश्य जो होता है वो की पॉइंट्स बताने का होता है, आपको डिटेल्स इसलिए दे देता हूं कि ये सब अगर आप मेंस एग्जाम में कहीं लिख रहे हैं तो आप आराम से ये सब शब्द डाल सकते हैं। तीसरा है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना चर्चा का कारण बन रहा है। देखिए हाल ही में आपका जो है, हाल ही में जो आपका जो जगुआर विमान है, 5 जून 2018 को भारतीय वायुसेना का जो जगुआर विमान है ये कच्छ जिले के मुंद्रा के पास एक गांव है, वहां पर ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कच्छ जिले का एक गांव है बरजा गांव, वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और यहाँ पे पायलट की मृत्यु हो गई, तो इसलिए चर्चा में है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जगुआर विमान, और थोड़ा जान लेते हैं जगुआर के बारे में। जगुआर जो है वो एक 2 इंजन युक्त विमान है जो जमीन पर हमला करने के उद्देश्य से संयुक्त रूप से फ्रांस के ब्रिगेड यानी कि अब डेसॉल्ट का हिस्सा और ब्रिटेन स्थित ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन BAC द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। और दो कंपनियों ने विमान विकसित करने के लिए SEPECAT, ठीक है, नामक संयुक्त उद्यम का गठन किया है इन दोनों ने। तो ये सभी है इसमें, और अधिकतम गति इसकी 1350 किलोमीटर है प्रति घंटा है, मैक यानी 1.3 मैक, और यह 230 mm बंदूक है, 2 R-350 मैजिक CCM, ये सब मतलब इसका वायर हेड वगैरह का इसके डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह की सामग्री है, कैसे युद्ध लड़ेगा, ये सब है। तो आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चौथा है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के संबंध में कौन से कथन सही हैं, यहां पे बताना है। पहला है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का वैश्विक मेजबान भारत था। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि इस बार हम जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है इसकी मेजबानी हमारे भारत ने की है, तो ये सबसे बड़ी बात है हमारी, बहुत गर्व की बात भी है ये। तो पहला वाला सही है यहाँ पे बिल्कुल। सेकंड है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, ठीक है, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये था इसका थीम। तो देखिए ये याद रखिए, ये पूछा भी जा सकता है आपका, भी UPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम भी है, तो आप इसे खासकर याद रखें। मैंने थोड़े पुराने उठाए हैं, मतलब 20 दिन पहले का मैं चल रहा हूँ, 20 दिन पहले के मिक्स करके बता रहा हूँ, तो इसे याद रखें। तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यहाँ दोनों ही कथन सही है, तो यहाँ आंसर है सी यानी 1 और 2 दोनों। अब थोड़ा जान लेते हैं, देखिए भारत ने मेजबानी की थी इसकी, वैश्विक मेजबानी सब भारत बना था, और कथन जो था इसका जो थीम थी वो प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन रखा गया था। और
ये देखिए इसमें वही सब लिखा है कि कैसे कैसे प्लास्टिक का यूज, कितना योगदान है कितना नहीं है। देखिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में 500 अरब प्लास्टिक बैगों का उपयोग किया जाता है, जिसमें 8 मिलियन टन जो है महासागरों में पहुंचता है, जो प्रति मिनट एक कूड़े से भरे ट्रक के बराबर है। ठीक है, इसके अलावा हमारे द्वारा प्रयोग की जाने वाली पॉली प्लास्टिक में से 50% प्लास्टिक का सिर्फ एक बार उपयोग किया जाता है, यानी कि एक बार यूज किया और हमने उसके बाद यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम होता है। और हर मिनट लगभग 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें, आपको पता होगा आजकल जो पानी वाला क्षेत्र है, वाटर वाला, वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। यानी कि हम कहीं भी जाएं तो हम अब प्याऊ वगैरह जैसे लगाई जाती थी पहले, सेवा धर्म पुण्य में लगा देते थे लोग, सड़क किनारे प्याऊ वगैरह लगवाते थे, तो हम लोग वहां पानी पीना बड़ा शर्म की बात समझते हैं कि यार पता नहीं कैसा पानी होगा, आरओ का नहीं होगा, ये है वो है, बड़ी शर्म की महसूस करते हैं। तो हम जब अगर कहीं स्टेशन पे जा रहे हैं तो हर स्टेशन से एक बोतल खरीदते हैं। तो आप ऐसी बात से अनुमान लगा दीजिए कि आप जब एक सफर यानी 100 किलोमीटर की यात्रा में कम से कम 2 या 3 बोतल पानी आराम से पी जाते हैं ले लेके, तो जो लंबी यात्रा करते हैं तो उनका क्या हाल होता होगा। और ऐसे ही कितने लाखों करोड़ों लोग यात्रा करते हैं, करोड़ों तो मैं भारत की बात कर रहा हूं, मतलब अरबों लोग यात्रा करते हैं, तो वो सभी कितना यूज करते होंगे, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। और हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए कुल कचरे में 10% योगदान प्लास्टिक का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तथ्य है, ये आप इनका उपयोग निबंध लेखन में कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, पांचवा है नाटो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला है, यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। देखिए ये पहला वाला बिल्कुल सही है, यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, ये पहला वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। सेकंड है, इसका मुख्यालय ब्रसेल्स यानी कि बेल्जियम में है। देखिए ये तथा इसका संबंध वाशिंगटन संधि से नहीं है। देखिए सेकंड वाला जो है गलत है, इसका मुख्यालय जो ब्रसेल्स बेल्जियम में है और इसका संबंध जो है वाशिंगटन संधि है उससे भी है, तो यहाँ सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तीसरा है, कोलंबिया नाटो समूह का हिस्सा बनने वाला पहला लैटिन अमेरिकी राष्ट्र होगा। देखिए कोलंबिया जो आपका कहाँ पड़ता है, कोलंबिया पड़ता है आई थिंक साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो ये पहला लैटिन अमेरिकी राष्ट्र है, इसका नाटो का सदस्य बनने वाला, तो यहाँ पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ आंसर है सी, यानी केवल एक और तीन। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति जो है जोआन मैनुअल सेंट्रोस ने कोलंबिया को औपचारिक रूप से उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि संगठन नाटो में शामिल होने की घोषणा की है। ठीक है, और नाटो क्या है, नाटो का अर्थ है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। ठीक है, इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है और इसका औपचारिक नाम जो है ऑर्गेनाइजेशन डू ट्रेटी द अटलांटिक नॉर्ड यानी ओटन है। ठीक है, औपचारिक नाम इसका। इसकी स्थापना जो हुई थी 4 अप्रैल 1949 में हुई थी, अमेरिका, कनाडा और 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ मिलकर, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, डेनमार्क, नॉर्वे, आयरलैंड, लग्जमबर्ग और तथा वाशिंगटन संधि यानी उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के रूप में इसकी जो इस नींव रखी गई थी 4 अप्रैल 1949 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 अप्रैल 1949, तो ये इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या था, राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में जो है परामर्श के माध्यम से अपनी अपनी जो फौजें हैं उन्हें एक रूप में यानी एक सामूहिक, उनके अंदर एक सामूहिकता विकसित करना, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन विकसित करना और एक अच्छा युद्ध कौशल इससे निकल के आएगा, तो ये सभी इनका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, ना पसंद आए डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप लोग चीजों को शेयर जरूर कीजिए। देखिए आप लोग चीजों को शेयर नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए जब मैं वीडियो बनाने में मुझे दिक्कत नहीं हो रही है तो आपको एक शेयर करने में क्या दिक्कत हो रही है, आप कम से कम उसका लिंक पेस्ट कॉपी कर लिया कीजिए, कहीं भी ग्रुप में डाल दीजिए यार, मतलब आपके एक लिंक शेयर करने से शायद किसी और का भविष्य समझ जाए, तो इससे बेटर आपके लिए क्या होगा यार, इससे बेटर पुण्य का काम क्या होगा। तो आप ऐसा जरूर किया कीजिए, डेली किया कीजिए, मेरा मानना तो ये है। जैसे मैं आपके लिए डेली बना के लाता हूं वीडियो, मैं ये नहीं सोचता हूं यार कि मेरा वीडियो बनाने से मेरा क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, मैं इस बात की मुझे खुशी मिलती है कि यार मैं इस काबिल हूं कि मैं आप लोगों तक बेहतर से बेहतर पहुंचा रहा हूं कंटेंट, तो मैं इस काबिल हूं, तो मुझे ये सबसे बड़ी खुशी मिलती है, तो इसी वजह से मैं कंटेंट लेके आता हूं। तो आप भी अपने आप में कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का जज्बा रखिए, तो आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहिए, जिससे कि आप जो आपका जो फ्यूचर है वो आपका ब्राइटर हो सके और आप एक अच्छे जिंदगी के पात्र भी बन सके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।